बंदे मातरम, आपका इस चैनल में स्वागत है। चलिए, इसके पहले हमने कंपैरेटिव कास्ट थ्योरी के बारे में हमने चर्चा की थी। आज का जो सिद्धांत है, जिसे हम जेएस मिल का सिद्धांत ही बोलते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, आखिर इन्होंने कौन सी बातों को स्पष्ट किया है, हम यह जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले जिन्होंने एडम स्मिथ थे, उसके पहले उसके अलावा रिकार्डो आए, तो उनके देखिए इन्होंने इसमें क्या लिखा है स्पष्ट रूप से कि जेएस मिल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत ने एडम स्मिथ तथा डेविड रिकार्डो के सिद्धांत को और मजबूती प्रदान की। यह किस प्रकार से हुआ? चूँकि इसके पहले जब हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ रहे थे, अभी तक हमने किसका पढ़ा, एडम स्मिथ का पढ़ा, रिकार्डो का पढ़ा, तो हमें ये नहीं पता कि इतना तो कन्फर्म था कि व्यापार कब होगा, ठीक है, जब विशिष्टीकरण होगा। क्योंकि जब विशिष्टीकरण होगा तो क्या, जब कुशलता बढ़ेगी, किसी भी वस्तु में कुशलता बढ़ेगी तो क्या होगा, विशिष्टीकरण होगा। जब विशिष्टीकरण होगा, इन दैट केस व्यापार की संभावना उत्पन्न होगी। लेकिन अभी तक हम इतना बस जानते थे कि व्यापार से लाभ होगा, लेकिन हमें एक्चुअली पता नहीं था कि व्यापार से लाभ होगा कि नहीं होगा, किस रूप में लाभ होगा, हमको पता ही नहीं था। इस चीज़ को बताने का काम किया है जेएस मिल ने, अर्थात इसको इन्होंने इस देखिए इस पे इस नीचे हम पढ़ लेते हैं। इसका कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रश्न विचारणीय होते हैं, अर्थात दो देशों के बीच व्यापार का कारण क्या होता है, और दूसरा यह कि दो देशों के बीच व्यापार अनुपात को ही व्यापार शर्त भी बोलते हैं, तो व्यापार शर्त का निर्धारण किस प्रकार से हो। हम किसी भी थ्योरी में कुछ कारण के द्वारा हम थ्योरी को पढ़ते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय थ्योरी में हम तीन चीज़ जानते हैं, अर्थात अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम पढ़ रहे हैं ना, इसके थ्योरी में तीन चीज़ जानते हैं हम। सबसे पहले कि व्यापार का कारण क्या है, तो इन्होंने बता दिया है एडम स्मिथ ने कि एडवांटेज अर्थात कुशलता, एग्जाम्पल हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, शायद समझने में दिक्कत ना हो। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए तीन कारण हैं, इसको एडम स्मिथ ने स्पष्ट किया है, तीन कारण, ठीक है। सबसे पहला है कि कारण क्या है, मतलब तीन चीज़ के लिए हम इसको पढ़ते हैं, तीन समस्या, ठीक है, तीन समस्या। अब देखिए इसमें आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा, तो हम इसलिए तीन समस्या के लिए हम ट्रेड के लिए थ्योरी पढ़ते हैं। सबसे पहला कि व्यापार का कारण क्या है। अब जब कारण है तो हमने जान दिया कि एडवांटेज, अर्थात हमें एडवांटेज मिलेगा, अधिकता मिलेगी, कुशलता होगी, किसी के रूप में एडवांटेज देख सकते हैं, लागत के रूप में हमें लागत कम लग रहा है, या हम हमें लाभ उससे अधिक हो रहा है, तो मतलब कोई भी किसी भी रूप में आप उसके एडवांटेज को देख सकते हैं, ठीक है, हमें श्रम कब, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एडवांटेज के रूप में हम देख सकते हैं, किसी भी चीज़ में एडवांटेज होती है, उसके लिए व्यापार होता है। आज तक इसको किसी ने खारिज नहीं किया है, उसको क्या किया है, मॉडिफाई किया है, सुधार किया। और दूसरा ये है कि अगर कारण पता चल गया, ठीक है, एडवांटेज, अब अगर मान लीजिए कारण पता चल गया व्यापार सर, कि इसका मतलब है कि एडवांटेज है, तो विशिष्टीकरण इत्यादि बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे आ जाती हैं, तो उसके बाद तब क्या होगा, कारण हमें पता चल गया अर्थात व्यापार होगा, अब उसके लिए शर्त क्या हो। मान लीजिए व्यापार होगा ना, तो उसके लिए कोई संस्था होगी जो उसको शर्त को लागू करेगी। कई सारी संस्थाएं बनाई गई हैं, WTO है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, बहुत सारी IMF, जो वर्ल्ड बैंक है, WB, तो ये सारे मिलके आपस में काम करते हैं। उसके अलावा ना, व्यापार अगर हो रहा है तो वैसे तो होगा नहीं व्यापार शर्त, तो व्यापार जब शर्त है, शर्त मतलब क्या है कि मतलब एक के बदले दूसरा कितने देने को तैयार होता है। जैसे मान लीजिए अगर एक देश एक्स ई है, दूसरा देश बी है, ठीक है, तो एक जैसे मान लीजिए देखिए एक देश ए है, एक देश बी है, ठीक है, तो अब एक एक्स बना रहा है और बी वाई बना रहा है, तो या देखिए जो ए है ना, वो यक्ष के एक यक्ष के बदले कितना वाई लेना चाह रहा है, दैट इज़ व्यापार शर्त। व्यापार शर्त इसे आदान प्रदान शर्त भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, और तीसरा चीज़ हमें जानना है कि इससे लाभ कितना होगा, लाभ होगा कि नहीं, ठीक है, लाभ होगा कि नहीं, लाभ होगा तो कितना होगा, तो ये तीन समस्या का विचार हम करते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे सब, ठीक है। चलिए अब इन तीनों के बारे में विचार करते हैं, तो अब तक हमें तो ये चीज़ तो पता हो गया कि कारण क्या था, मोटी मोटा में कैसे भी हमने, चूँकि इसके पहले तो लागत के रूप में एडम स्मिथ ने कुछ नहीं बताया, बाद में उसको रिकार्डो ने स्पष्ट किया कि देखिए लागत को हम श्रम लागत के रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन जेएस मिल ने बताया कि आज वास्तव में ये जो केवल पूर्ति पक्ष बता रहे हैं, अर्थात जो
दो पक्ष होता है ना, कहीं भी दो पक्ष होता है, एक पक्ष हम आपको सब कुछ समझा रहे हैं, धीरे धीरे आप आराम से समझिएगा। एक पक्ष तो हो रहा है वो है डिमांड, और एक पक्ष हो रहा है वो है सप्लाई। ठीक है, तो ये पक्ष इन्होंने कहा कि केवल पूर्ति पक्ष बता रहे हैं, डिमांड पक्ष को नहीं। डिमांड पक्ष में क्या है, डिमांड पक्ष में प्रिफ्रेंस आ गया, बहुत सारी चीज़ें इत्यादि। तो पूरा अगर हम केवल यही नहीं, पूरा जो सिद्धांत है ना प्रतिष्ठित, ये पूरा केवल डिमांड पे ही है। मतलब ये ट्रेस्ट प्रेफरेंस इत्यादि को, चूँकि हम कब तक, अगर मान लीजिए नियो क्लासिकल भी है ना, वो भी केवल सप्लाई साइड पर ही जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इसे हम आईटी लिख दे रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड थियोरी, उसके केवल केवल सप्लाई साइड पर ही जोड़ दे रहा है, डिमांड साइड पर नहीं, इसके ट्रेड प्रेफरेंस से कुछ नहीं। जब बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब मॉडर्न थियोरी ऑफ ट्रेड जब हम पढ़ेंगे, जिसमें इम्परफेक्ट कंपटीशन अंडर उसके अंडर में, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंडर में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पढ़ेंगे, तब वहाँ पर डिमांड को लाया जाता है। ठीक है, अभी तक सप्लाई ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सप्लाई कैसे होगा, मतलब सप्लाई के हिसाब से कैसे हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, सप्लाई कैसे बढ़ेगा, जब हमारे पास एक्सेस होगा। अब मान लीजिए एक्सेस मतलब अधिक होगा, सरप्लस होगा, जब सरप्लस नहीं रहेगा तो हम कैसे तो व्यापार करेंगे ही नहीं। और सरप्लस कब होगा, देखिए यहाँ पे लिखिए सरप्लस होगा, अब सरप्लस कब होगा, ठीक है, और सरप्लस कब होगा, जब इफिशियंट होगा या कॉस्ट कम होगी, या तो सरप्लस होगा या तो कॉस्ट कम होगा। जब कॉस्ट कम होगा तो भी अगला देश खरीदेगा, अब तो भी अगर मान लीजिए कॉस्ट कम भले ही हो लेकिन सरप्लस ना हो तो कैसे कोई खरीदेगा। तो मुख्य रूप से क्या जरूरी है, सरप्लस। ठीक है, और तो इसीलिए हम सप्लाई में दो चीज़ रखते हैं, तो कॉस्ट है, कॉस्ट कम है तब वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेगा, या सप्लाई उसके पास अधिक है अर्थात सरप्लस है तो व्यापार करेगा। ठीक है, अल्टीमेटली डिमांड साइड में क्या आ जाता है, डिमांड साइड में आ जाता है प्रिफ्रेंस आ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, इनकम आ जाता है, बहुत सारे इफेक्ट हम देखते हैं उसमें, वो बात अलग है, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी तक तो हम लोग जो पूरा प्रतिष्ठित है, न्यू प्रतिष्ठित है, सब इसी पे आधारित है, तो अभी आप इसे ही समझें। आई होप आप लोगों को, आप चिंता मत करिए, हम आपको सब समझाएंगे। ठीक है, केवल साथ में चलते चलिए। चलिए अब ये व्यापार शर्त बता रहे हैं, इसके पहले व्यापार शर्त का निर्धारण नहीं था, क्योंकि ये बता रहे थे कि मतलब एक वस्तु के उत्पादन में 5 लेबर 10 लेबर, तो कोई तरीका थोड़ी है, कैसे पता चलेगा कि व्यापार शर्त का निर्धारण ही नहीं होगा। अर्थात व्यापार शर्त की निर्धारण बढ़िया से लागत पता नहीं चल पा रही है, व्यापार शर्त का निर्धारण कैसे होगा कि एक यक्स के बदले जो वाई है, जैसे मान लीजिए ये क्या बना रहा है, यक्स बना रहा है, और जो बी बना रहा है, ए यक्स बना रहा है और बी बना रहा है वाई, तो जो ए अगर व्यापारी और बी दोनों को व्यापार करना है, मजबूरी है क्योंकि दोनों को दोनों वस्तु चाहिए लेकिन एक एक बना रहे, तो ये मान लीजिए ये एग्जांपल दैट कि अगर मान लीजिए ए यक्स बना रहे हैं तो और व्यापार कर रहा है, तो यक्स के बदले कितना वाई लेगा, दैट इज़ व्यापार शर्त। और जब व्यापार शर्त हो जाएगा तभी हमको पता चलेगा कि इससे लाभ कितना होगा, जो अधिक पाएगा उसका लाभ होगा, जो कम पाएगा उसकी हानि होगी। ठीक है, बस यही है। तो इन्होंने क्या किया है, व्यापार शर्त का निर्धारण किस प्रकार से होगा ये बताने का प्रयास किया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब चलिए इसी मांग को देखिए, एडम स्मिथ तथा रिकार्डो दोनों के विश्लेषण में मांग पक्ष भी निहित है, ध्यान दीजिएगा। मिल ने अपने विश्लेषण में दर्शाया कि एडम स्मिथ तथा रिकार्डो दोनों के बीच विश्लेषण में मांग पक्ष भी निहित है। देखिए ये कहने के लिए है, क्योंकि जो पूरा जो ट्रेड है ना, ये पूरा इंटरनेशनल ट्रेड है, उसके बारे में अगर हम डिमांड पक्ष की बात करें, मतलब पूर्ण रूप से किसने बात की थी, मतलब पूर्ण रूप से, ठीक है, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन वाले ने किया था, मतलब नियो क्लासिकल के बाद आए थे। ठीक है, लेकिन ये मांग पक्ष ये बता रहा है कि केवल व्यापार शर्त के लिए बता रहा है। चलिए इसमें इन्होंने बताया है कि मिल ने यह मत व्यक्त किया कि एडम स्मिथ तथा रिकार्डो दोनों व्यापार केवल पूर्ति पक्ष पर ध्यान दे रहे थे, पूर्ति पक्ष मतलब कास्ट पर ध्यान दे रहे थे, कितना लेबर लग रहा है। ठीक है, इसके बारे में मतलब पूरा सही से स्पष्ट पता नहीं चला था कि मतलब लेबर तो लग रहा है 5 घंटा 10 घंटा इत्यादि, लेकिन हम उसको कैसे दूसरे देशों से व्यापार करेंगे, उससे लाभ कैसे होगा, व्यापार का शर्त तो क्या होगा, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अर्थात इन्होंने क्या कहा है कि केवल पूर्ति पक्ष पर विचार कर रहे थे, कास्ट को और फिर इसको कैसे हम बना लें, लेकिन फिर ये क्या हो रहा है, निर्धारण पर विचार, मतलब जो वे व्यापार शर्त पे इसीलिए विचार नहीं कर सके। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि दोनों के विश्लेषण में मांग पक्ष भी निहित है। मिल ने कहा कि वास्तव में कि जो दोनों या तो
एडम स्मिथ हैं या रिकार्डो हैं, इन्हीं के जो विश्लेषण है उसमें मांग कुछ भी निहित है। और इस मांग को इन्होंने क्या कहा, प्रतिपूरक मांग की संज्ञा दी। अर्थात इन्होंने और ये भी कहा कि व्यापार शर्त का निर्धारण इस प्रतिपूरक मांग के आधार पर ही होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसलिए सिद्धांत पहले दोनों सिद्धांतों के एक पूरक सिद्धांत के रूप में सामने आया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ। इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने जब अपना तुलनात्मक श्रेष्ठता जब अंतर बताया है उसमें श्रम लागत के रूप में न व्यक्त करके श्रम की उत्पादकता के रूप में व्यक्त किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम किया है। यहाँ से अब अर्थशास्त्रियों का दिमाग खिलना शुरू हुआ कि अब हो सकता है कि हम दूसरे देशों से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा देश मतलब सस्ता सामान बना रहा है, कौन सा देश महंगा बना रहा है, उस हिसाब से वो व्यापार करेगा। जो सस्ता बना रहा है वो क्या करेगा, वो बेचेगा, जो महंगा बना रहा है वो खरीदेगा, क्योंकि उसका इंटरनेशनल ट्रेड ही सस्ता पड़ेगा। तो आप इस अब इससे क्या पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि संतुलन व्यापार की शर्त क्या है, अर्थात संभावित व्यापार शर्तों के बारे में ये बात करेंगे। अब देखिए, अब पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, हम इसको आगे कर रहे हैं। अर्थात प्रतिपूरक मांग के आधार पे, अब देखिए प्रतिपूरक मांग क्या है, अभी आप इसको समझिए, हम बता रहे हैं। फिर कुशलता में तुलनात्मक अंतर को किस रूप में, उत्पादन के विशिष्टीकरण किस प्रकार होगा, संभावित व्यापार शर्त, संभावित व्यापार शर्त है, संभावित व्यापार शर्त क्या है, एक तो है संतुलन व्यापार शर्त जो संतुलन में होगा, और एक होता है कि संभावित व्यापार शर्त मतलब हो भी सकता है। तो संतुलन व्यापार शर्त और संभावित व्यापार शर्त के बीच की बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुशलता में अकुशलता में अंतर था विशिष्टीकरण। अगर मान लीजिए इन्होंने इतना गजब व्यक्त किया, अगर ध्यान से देखिएगा तो कुशलता और अकुशलता को अर्थात तुलनात्मक लागतों में अंतर को क्या किया है, इन्होंने उत्पादकता के रूप में व्यक्त कर दिया। प्रोडक्टिविटी अर्थात एक इकाई श्रम लागत में, ठीक है, एक इकाई श्रम लागत अर्थात एक श्रम मात्रा में एक जो वस्तुओं का उत्पादन कितना हो रहा है, अर्थात देश ए यक्स और वाई का उत्पादन कितना कर रहा है, इसको आप मैट्रिक्स में देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक इकाई है, श्रम लागत है, तो देश ए क्या कर रहा है, 20 यक्स का बना रहा है वस्तु और 20 वाई को बना रहे केवल एक ही इकाई में, और वही जो एक इकाई में जो देश बी है वो 4 यक्स बना रहा है और 16 वाई बना रहा है। आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ रहा हो। अर्थात कुशल कौन है, देश ए सही है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में सब कंसेप्ट खुल गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, हम समझा दे रहे हैं। अब भी सबसे कुशल देखिए 40 यूनिट केवल एक ही इकाई श्रम में क्या बना रहा है, 20x 20y अर्थात 40 उत्पादन की मात्रा बना रहा है, और ये एक इकाई में जो देश भी दोनों में अकुशल है ये 4x और 16y बना रहा है, जो क्या है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें सबसे कुशल कौन है, देखिए ध्यान से, अब इसमें सबसे कुशल कौन है, ए कुशल है, लेकिन जो ए है ना ये सबसे ज़्यादा कुशल किसमें है, ये सबसे ज़्यादा कुशल किसमें है और सबसे अकुशल किसमें है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे सबसे ज़्यादा अंतर किसमें है, तो सबसे ज़्यादा अंतर इस वाले में है, यक्स वाले में, अर्थात यक्स वाले में किस लिए है कि 20 और 4 में देखिए कितने का फ़र्क है, 16 का फ़र्क है। तो जो देश ए है ना वो 20 वस्तु यक्स में विशिष्टीकरण करेगा और 20 मतलब यक्स को बनाएगा क्योंकि इसमें साथ ज़्यादा कुशल है, और जो वस्तु वाई है ना वो सबसे कम अंतर वाला चूज करेगा, अर्थात ये 20 और 16 वाला, और इसमें क्या करेगा ये 16 वाला को अर्थात वाई को बनाएगा। आई होप आप लोगों को समझ, प्रोडक्टिविटी पता चलेगी। अब इससे क्या होगा, अब इससे व्यापार की संभावना उत्पन्न होगी, एक सेकेंड, अब इससे व्यापार की संभावना उत्पन्न होगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखिए अब यहाँ से संभावित व्यापार शर्तों का निर्धारण हो जाएगा। अमिल ने अपने विश्लेषण के माध्यम से यह दर्शाया कि दो देशों के बीच संतुलन व्यापार शर्त का निर्धारण दोनों देशों के बीच संभावित व्यापार शर्तों के बीच होगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए ना, पहले तो हम जो उदाहरण के लिए मानते थे कि किस प्रकार से व्यापार शर्त हो, एक यक्स वाई यक्स के बदले अगर एक वाई प्राप्त हो तो क्या होगा, एक वाई प्राप्त हो, तो इस हिसाब से हम एडवांटेज देखते थे, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है हम यहाँ पे देख सकते हैं। उदाहरण के लिए तालिका 7.1 देखिए, यहाँ पे जो 7.1 ना इसमें देखिएगा, ठीक है, इसमें देखिए, इसके अनुसार देश ए के लिए घरेलू व्यापार शर्त 1x = 1y है, विदेशी व्यापार शर्त 1x = 4y है, अर्थात इसके 1x = 1y, देख आप शायद तालिका में देख रहे हैं ना, देखिए इसको समझा दे रहे हैं, 1x है ना, इसके जो ए देश है देखिएगा, ये एक यक्स बनाने के लिए, एक सेकेंड, एक यक्स बनाने के लिए यहाँ पे इसको 1y मिल रहा है, ठीक है,
एक एक्स के बदले यहाँ पे एक वाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए एक एक्स के बदले एक वाई मिल रहा है। लेकिन वही अगर वो विदेशी व्यापार देखे अर्थात बी के लिए देखे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही बी को देखेगा ठीक है, उस स्थिति में केवल ये क्या मिल रहा है कि एक एक्स के बदले इसको क्या मिल रहा है, चार वाई मिल जा रहा है। तो ये क्या करेगा, केवल एक्स को बनाएगा ठीक है, और ये क्या करेगा और ये वाई को नहीं बनाएगा, क्योंकि वाई इसके लिए क्या है, सस्ता विदेशी मिल रहा है, विदेशम सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे तो बड़ा महंगा है, तो ये केवल यक्स में उत्पादन कर रहा है, तो इसीलिए क्या करेगा, केवल इसमें उत्पादन करेगा, यक्स को बनाएगा, और इसके लिए क्या है, विदेशी व्यापार क्या है, सस्ता है। समझ में आ रहा है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दूसरा, अब वाई के लिए, अब बी के लिए देखिएगा संभावित व्यापार शर्त क्या है ठीक है। घरेलू व्यापार शर्त है कि वाई को देखिए ध्यान से कि चार वाई में, चार चौके 16 ना, तो चार वाई में एक एक्स मिल रहा है, चार वाई में ध्यान दीजिएगा जो देश बी है ना उसके लिए, ध्यान से देखिए जो देश बी है इसके लिए देखिए कि चार वाई जब खर्च रहा है ना चार वाई, तब जाके इसको एक एक्स मिल रहा है, क्योंकि इसको अगर हम काटेंगे तो एक बार में जाएगा और चार बार में जाएगा, तो चार वाई इक्वल टू एक एक्स। आप इसको PDF अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, वैसे हम समझा रहे हैं आपको पूरा बढ़िया से, PDF में पूरा डिटेल लिखा है। अब लेकिन जब ये विदेशी व्यापार अपना देखेगा, ऐसे विदेशी व्यापार, तो इसका एक वाई में ठीक है, एक वाई में ही एक एक्स मिल जा रहा है, मतलब विदेशी व्यापार में एक वाई इक्वल टू एक एक्स है, यहाँ पे चार वाई इक्वल टू एक एक्स है, तो चार वाई खर्चा करेगा तब घर में केवल एक टू एक्स मिलेगा, लेकिन विदेश में जा खर्चा करेगा चार वाई ना, तो इसको बहुत, मतलब अगर चार वाई खर्चा करेगा तो चार एक्स इसको मिलेगा, अर्थात तीन प्रॉफिट होगा। तो ये क्या करेगा, यही विदेशी व्यापार करेगा, बस वही है। तो व्यापार शर्त हमें पता चल गया है ठीक है। अब एक चीज़ तो कन्फर्म है, देश ए के लिए देखिए संभावित व्यापार शर्त, अब देश ए के लिए संभावित व्यापार शर्त क्या होगा आप ध्यान से देखिएगा, देश ए के लिए संभावित व्यापार शर्त देश ए के लिए होगा एक एक्स इक्वल टू, घरेलू व्यापार शर्त कितना है एक वाई है, और विदेशी व्यापार शर्त चार वाई, तो इनके बीच जो होगा ना दैट इज संभावित व्यापार शर्त देश ए के लिए ठीक है। और देश बी के लिए क्या है, देश बी के लिए है ये जो घरेलू व्यापार है वही एक बटा चार मिल रहा है, अर्थात एक वाई चार, एक सेकेंड, चार वाई खर्च रहा है तब जाके एक एक्स मिल रहा है, अर्थात एक वाई इक्वल टू एक बटा चार। एग्जाम्पल देट देखिए, एक किलो अगर वाई है ना तो एक पौआ इसको एक्स मिल रहा है एकदम सीधा, अगर विदेशी व्यापार इसका है ना तो एक किलो वाई बराबर एक किलो एक्स मिल रहा है, तो इसके दोनों के बीच का जो, इसे हम क्या बोलते हैं, संभावित व्यापार शर्त, पॉसिबल ट्रेड व्यापार शर्त इसे बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको हम पॉसिबल ट्रेड बोलते हैं ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं ठीक है। तो इन दोनों के बीच ही संतुलन होगा, अर्थात कहीं भी हो सकता है लेकिन संभावित है। देखिए इसीलिए हमने बताया है, अभी पूरा स्पष्ट नहीं है, अभी इन्होंने भी पूरा स्पष्ट क्लियरिटी देके नहीं बता पाया है, क्योंकि यहाँ पे फिगर नहीं, अभी केवल वैसे उदाहरण के माध्यम से समझाए हैं, तो मांग पक्ष केवल हल्का सा आपको वैसे दिख रहा है लेकिन पूरा स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है, तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा ठीक है। पूरा स्पष्ट इसीलिए हमने बताया था, अभी पूरा स्पष्ट नहीं है, बाद में स्पष्ट होगा, अभी तो केवल थोड़ा छटा थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए प्रतिपूरक मांग का अभिप्राय यहाँ पे दिया हुआ है कि मिल ने अपने विश्लेषण के माध्यम से यह व्यक्त किया कि जब दो देश व्यापार की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो एक देश अपनी वस्तु को दूसरे देश के लिए प्रस्तुत करता है या पूर्ति करता है, और इसके बदले में दूसरे देश की वस्तु की मांग कर, बस वही है, अगर एक यक्ष के बदले वाई जो ए देश है ना वो अपना यक्ष दे रहा है बी को ठीक है, तो उससे वाई कितना ले रहा है, दैट इज़ रिसिप्रोकल डिमांड या प्रतिपूरक मांग ठीक है। संतुलन व्यापार का शर्त क्या होगा, मिलने अपने विश्लेषण के अंतर्गत दर्शाया कि संतुलन व्यापार शर्त संभावित व्यापार शर्तों के सीमा के भीतर ही होगा और इसका निर्धारण प्रतिपूरक मांग के आधार पर होगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने सब समझ लिया है। और वह व्यापार शर्त जिस पर कि प्रत्येक देश के प्रस्ताव तथा मांग में सामंजस्य स्थापित हो जाए संतुलन व्यापार शर्त को व्यक्त करेगा ठीक है, जहाँ पे दोनों की मांग और पूर्ति में क्या हो, संतुलन हो जाए, दोनों राजी हो जाए, वहीं पे व्यापार शर्त का निर्धारण होगा। अब व्यापार के शर्त का निर्धारण हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, लाभ कितना होगा सब पता चल जाएगा, लेकिन अभी पूरा बढ़िया से नहीं पता चल रहा है, अभी केवल थोड़ा सा शामिल किया गया ठीक है।
क्लियरली हम आगे देखेंगे और आगे सिद्धांतों में आएगा, जिसकी और बढ़िया से भव्य व्याख्या की गई है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर हम और आगे वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।